मोदी जी 95-96 में जब चंडीगढ़ आए तो उस टाइम मैं युवा मोर्चा में था, प्रदेश कार्यकारी सदस्य था। तो हमारी मीटिंग ली मोदी जी ने, अग्रसेन भवन है सेक्टर 30 में, वहाँ पे पहली बार मुलाकात उनसे वहाँ हुई। पिताजी मेरे उस टाइम पे जिलाध्यक्ष थे, तो मीटिंग हुई तो उन्होंने, हम युवा मोर्चा के साथियों में सबके फर्स्ट इंटरेक्शन थी कि कैसे है, कैसे पार्टी में काम करना है, क्या है। उन्होंने वहाँ एक बात बोली जो आज भी मेरे जहन में बहुत याद है कि कुछ बनने के लिए कुछ करोगे ना तो कुछ बन पाओगे ना कुछ कर पाओगे, तो इसलिए करते चलो, करते 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 कुछ बन गए, काम करते करते कुछ बन गए तो अच्छी बात, अन्यथा एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगी कि हम और वो चीज़ आज भी मेरे ध्यान में है। 96 में उन्होंने चुनाव लड़ाया था हमारे लोकसभा का, सतपाल जैन जी जीते थे, तो 96 में आडवाणी जी आए उनकी रैली को संबोधित करने, हम भी मोदी जी के साथ थे, मोदी जी प्रभारी, और हम देख रहे हैं कि सब के सब जितने नेता छोटे मोटे सब मंच पे चढ़ने के ललाई थे, बहुत भारी भीड़ थी, तो भाजपा के सभी नेता मंच पे चढ़ रहे हैं और मोदी जी नेहरू पार्क 22 सेक्टर में हुई थी रैली, पीछे डिस्पेंसरी की वॉल पे बैठे थे बिल्कुल अखीर में, जहाँ ग्राउंड खत्म भी हो जाए ग्राउंड के बाहर एक वॉल थी, वॉल के बिल्कुल मोदी जी महावीर जी, हम देख के हैरान की कमाल है जी, हम तो युवा थे उस टाइम 20-21 साल के, कि मोदी जी आप ऊपर नहीं है भैया, हम यहीं ठीक हैं, अडवाणी का भाषण सुनेंगे यहीं से जाएंगे। तो सभा ख़त्म हुई, उसके बाद मोदी जी फिर कौन से जिले की बैठक लेनी है, कौन से मंडल की, उसी में वो हो गए, यहाँ यहाँ पे वो जो थे काम कर अपना, तो साथ साथ वो कुछ इंग्लिश की ट्यूशन क्लासेस लेते थे, तो मैं देखता था मोदी जी ये आप एक अपने संगठन मंत्री से या फिर उनसे ये पढ़ते भी हैं और सारी दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं, तो वो सब उनकी जो एक मन में ललायत थी ना कि मुझे कुछ जो नहीं आता वो भी सीखना, एंड उसमें उनको कोई वो नहीं था कि फ्रॉम लर्निंग, तो उनको कोई हीन भावना नहीं, बढ़िया ठीक था, उनको कोई वो कॉम्प्लेक्स नहीं था इस चीज़ का। 2001 में आई गॉट मैरिड, तो 9 नंबर जो है ना 11 अशोका रोड है, 9 नंबर में जेटी साहब रहते थे, तो आउटपोस्ट जो उनका बाहर एक छोटा सा एक कमरे का घर था, मोदी जी वहाँ रहते थे, मेरे एक मित्र हैं व्यापारी हैं अच्छे, हम दोनों गए कार्ड देने, तो मोदी जी वहीं बैठे, वो अपना अपने वस्त्र धो रहे थे, वहीं बिठाया, बताया अच्छा अरे भाई शादी करने वाले हो, और वो व्यक्ति जो मेरे साथ जिन्होंने मोदी का वो रूप देखा है वो आज भी कहते हैं यार ये तो वही व्यक्ति हैं जो खुद अपने कपड़े धोते हुए जिन्होंने हमसे कार्ड दिया था चाय बना के पिलाई थी। मोदी जी के वो सरल जो हैं वो साधारण मनुष्य तो नहीं है, नीचे से उठ के इतना, उस टाइम भी वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, जिस टाइम भी 2001 में बात करूँ उसमें राष्ट्रीय महामंत्री बन चुके थे, पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्रभारी थे, उस तरह के व्यक्ति खुद अपने कपड़े धोएं, खुद चाय बनाएं, इतना स्नेह रखें छोटे कार्यकर्ता के साथ, ये तो कोई असाधारण व्यक्ति कर सकता है।